उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आई, जहां 10 घंटे से बंद था गंगोत्री नेशनल हाईवे। हाईवे पर पहाड़ों से टूटकर गिरी चट्टान, बता दें कि सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा घटना के कारण क्षतिग्रस्त हुआ। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़ों में भारी गिरावट देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ अब लॉकडाउन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि यूपी में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल कुछ छूट के साथ कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन और बीएसपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की जेल फिलहाल नहीं बदली जाएगी। मुख्तार अंसारी को अभी यूपी के बांदा जेल में ही रहना होगा। यूपी की योगी सरकार सुरक्षा व दूसरी वजहों से मुख्तार को बांदा जेल में ही रखने का मन बना चुकी है। सरकार अब प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार की जेल बदलने की सिफारिश भी नहीं करेगी। वहीं कोर्ट अगर यूपी सरकार से उसकी राय भी मांगेगी तो सरकार मुख्तार को बांदा जेल में ही रखे जाने की कवायद करेगी। बिना छुट्टी दोस्त की शादी में जाना 3 पुलिस वालों को पड़ा महंगा, लगानी पड़ी 5 किलोमीटर की दौड़। राजधानी लखनऊ में 3 पुलिस वालों को बिना बताए दोस्त की शादी में जाना उस वक्त महंगा पड़ गया जब उन पर विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई। यूपी के सिद्धार्थनगर में कोरोना टीका का कॉकटेल, लगाने वालों के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई। यूपी के सिद्धार्थनगर में वैक्सीनेशन के दौरान अलग अलग टीके की खुराक लगाने पर प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की गई। अलीगढ़ शराब कांड में अब तक 12 लोगों की मौत, जिसके बाद सीएम योगी ने खुद लिया संज्ञान, कार्रवाई करने के दिए दिशा निर्देश। तब कहीं जाकर प्रशासन ने इस मामले में सख्ती दिखाई और कार्रवाई शुरू की। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है।